क्या परग्रही, जिन्हें हम एलियन बोलते हैं, क्या वो पृथ्वी पर सच में आते हैं? आपने रॉसवेल घटना के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें एक यूएफओ क्रैश हुआ था, जिसमें से एलियंस की डेड बॉडीज को बरामद किया गया था। आपने अक्सर एलियनों द्वारा इंसानों के अपहरण की घटनाओं के बारे में भी सुना होगा, जिसमें एलियन इंसानों का अपहरण करते हैं। आपने इंटरनेट पर या न्यूज में यूएफओ साइटिंग्स के बारे में भी सुना होगा। इन सभी घटनाओं में क्या आपने कभी एक चीज नोटिस की है कि जितने भी लोगों ने अभी तक यूएफओ साइटिंग्स का दावा किया है, वो सब एक ऐसे फ्लाइंग सॉसर का जिक्र करते हैं जो एक डिस्क की तरह गोल होता है और ऊपर और नीचे से चपटा होता है। क्या सभी एलियंस के पास केवल इसी तरह के फ्लाइंग सॉसर हैं? क्या उनके पास किसी और डिजाइन के फ्लाइंग सॉसर नहीं है? मेरे कहने का मतलब है कि हम इंसान ऐसे ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स बना चुके हैं जो अलग अलग डिजाइन के हैं, जैसे हेलीकॉप्टर, पैसेंजर प्लेन, लड़ाकू विमान इत्यादि। लेकिन अगर एलियंस हमारे ग्रह तक पहुंच पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस हैं। लेकिन वो इतने एडवांस होने के बावजूद सिर्फ इसी तरह के फ्लाइंग सॉसर इस्तेमाल क्यों करते हैं? आपने एक बात और नोटिस की होगी कि अभी तक जितने भी लोगों ने एलियंस के देखे जाने का दावा किया है, उन्होंने एलियंस का हुलिया कुछ इस तरह से बताया है कि उनका बड़ा सा सिर होता है, बड़ी बड़ी काली आंखें होती हैं, छोटी सी नाक, छोटा सा मुंह, ग्रे कलर की स्किन, 4.5 फीट की हाइट और बड़ी बड़ी 5 उंगलियां। ये बात कितनी अजीब लगती है ना कि कोई परग्रही जीव लगभग हम इंसानों की ही तरह दिखता हो और हमारी ही भाषा बोलता हो। पृथ्वी पर करोड़ों प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन एलियंस हम इंसानों की ही तरह क्यों दिखते हैं? क्या आप जानना चाहते हो कि आखिर क्या है एलियंस का रहस्य? इस वीडियो में हम एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में जानेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि जिन्हें हम एलियन बोलते हैं वो एलियन नहीं बल्कि खुद हम इंसान ही हैं? जी हाँ, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अनुसार जितने भी यूएफओ साइटिंग्स होते हैं या एलियंस पृथ्वी पर आते हैं, वो एलियन नहीं बल्कि भविष्य से टाइम ट्रेवल करके आए हम इंसान ही हैं। और उनके फ्लाइंग सॉसर जिन्हें हम यूएफओ बोलते हैं, वो कोई फ्लाइंग सॉसर नहीं बल्कि उनकी टाइम मशीन है जिनसे वो समय में यात्रा करते हैं। चलिए गहराई से जानते हैं कि ये थ्योरी कितनी सच है और एलियन ही इंसान क्यों है। चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी के अनुसार हम जिस अंग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसका विकास आने वाली पीढ़ी में ज्यादा होता है, और जिस अंग का इस्तेमाल कम करते हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होता जाता है। जब भी हम एलियंस की बात करते हैं तो एक बड़े सिर वाले जीव की तस्वीर हमारे माइंड में आती है। हम इंसानों का ब्रेन पीढ़ी दर पीढ़ी विकास करता जा रहा है। आज के बच्चे पहले से ज्यादा स्मार्ट हैं और आने वाली पीढ़ियां हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान होंगी, जिस वजह से ब्रेन का आकार भी बड़ा होगा। अभी से हजारों लाखों सालों बाद इंसानों का सिर अभी की तुलना में बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि कुछ एलियंस की तरह दिखेगा। आज के समय में हम इंसान अपने हाथ की उंगलियों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से इवोल्यूशन के चलते आने वाले समय में हम इंसानों की हाथ की उंगलियां और बड़ी हो जाएंगी, जो कि ग्रे एलियंस की तरह दिखेंगी। आज के दौर में हम इंसानों की आंखों का उपयोग पहले से ज्यादा बढ़ गया है। हम घंटों तक कंप्यूटर पर काम करते हैं, मोबाइल चलाते हैं। ऐसा लगता है कि काश हमारी आंखें और ज्यादा बड़ी होती तो हम इस दुनिया को और ज्यादा गहराई से देख पाते। इंसानों की इसी फितरत के चलते आंखों की पुतली बड़ी हो जाएंगी और आज हम अपनी आंखों में जो सफेद पार्ट देखते हैं वो काला हो जाएगा। हमारी आंखें बिल्कुल ग्रे एलियंस की तरह हो जाएंगी। हजारों सालों पहले हम इंसान जब जंगलों में रहा करते थे, तब हम दूर की आवाजों को सुनने के लिए बड़े बड़े कानों का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन आज समय बदल गया है। आज हमें किसी दूर की आवाज को सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज टेक्नोलॉजी ने हमारा काम काफी आसान कर दिया है। इवोल्यूशन के चलते भविष्य के इंसानों के कान खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह केवल होल्स बने रह जाएंगे और वो ग्रे एलियंस की तरह ही दिखेंगे। हम इंसान अपनी नाक का इस्तेमाल स्मेल को पहचानने और श्वास लेने के लिए करते हैं। पहले के समय में हम इंसान खुले वातावरण में ज्यादा रहते थे, जिस वजह से हमारे फेफड़ों में धूल मिट्टी के जाने के चांसेस भी ज्यादा होते थे। ऐसे में हमारी बड़ी नाक हवा में मौजूद गंदगी को फिल्टर करती और शुद्ध ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों तक पहुँचाने का काम करती। वैसे आज भी हमारी नाक इसी काम को कर रही है, जिसमें नाक में लगे बाल धूल मिट्टी और गंदगी को हमारे फेफड़ों तक नहीं जाने देते। लेकिन आज के हम इंसान कुछ ज्यादा ही हाइजीन हो गए हैं। हम साफ सुथरे माहौल में रहना पसंद करते हैं, मौसम की मार से बचने के लिए कृत्रिम वातावरण का उपयोग करते हैं, और आगे भी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा।
हम ऐसे कृत्रिम वातावरण बना लेंगे कि जिसमें गंदगी का नामो निशान ना हो, केवल प्योर ऑक्सीजन हो, और हमारे आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के चलते हमारी नाक का काम कम हो जाएगा और भविष्य के इंसानों की नाक छोटी हो जाएगी, बिल्कुल ग्रे एलियंस की तरह। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव इतिहास में हमारे पूरे शरीर पर बड़े बड़े और घने बाल हुआ करते थे, लेकिन आज हम इंसानों के शरीर पर पहले से कम बाल हैं। इसका कारण है हमारे घर और हमारे कपड़े। दरअसल कपड़े पहनकर हम अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, जिससे बालों का उपयोग रहा ही नहीं, और इवोल्यूशन की वजह से आने वाले समय में हम इंसानों के बाल पूरी बॉडी से खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल ग्रे एलियंस की तरह। आज के समय में हम देखते हैं कि पृथ्वी के हर एक हिस्से में मौजूद इंसानों की स्किन का कलर वहां के एनवायरमेंट के हिसाब से होता है। इन ग्रे एलियंस की स्किन का कलर ग्रे है। हो सकता है कि भविष्य में पृथ्वी के क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ ऐसा एनवायरमेंट हो जाए कि हम इंसानों की स्किन का कलर ही ग्रे हो जाए, और शायद इसी वजह से ग्रे एलियंस की स्किन ग्रे कलर की होती है। पहले के समय में हम इंसान कच्चा खाना खाते थे और ज़्यादा बोलते भी थे, लेकिन आज का हमारा खाना बहुत ही लजीज और सॉफ्ट हो गया है। इस वजह से खाने को चबाने में मुँह को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। साथ ही हम इंसानों ने बोलना भी थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि आज हम एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और टेक्स्ट मैसेज करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शायद हमारे इसी रहन सहन की वजह से हमारे मुंह का आकार छोटा होता जाएगा, बिल्कुल ग्रे एलियंस की तरह। एक रिसर्च के अनुसार हम इंसानों की औसत हाइट पहले की तुलना में कम होती जा रही है, और ऐसा आगे भी होता रहेगा। शायद इसी वजह से इन ग्रे एलियंस की हाइट बहुत कम होती है। खैर, जो भी हो, अगर ग्रे एलियंस ही भविष्य के इंसान हैं, तो सवाल ये है कि वो हमारे ही दौर में टाइम ट्रेवल करके क्यों आते हैं। वेल, इसके पीछे एक थ्योरी और दी जाती है कि हो सकता है कि हमारा दौर पूरे मानव समय में सबसे बेहतर दौर हो, और वो ग्रे एलियंस हमारे दौर में आकर हमारे टिश्यू कलेक्ट करते हों और हम पर एक्सपेरिमेंट करते हों, जिससे कि क्लोनिंग जैसे तरीके से ग्रे एलियंस अपने दौर में हम जैसे इंसान पैदा कर सकें। शायद इसी वजह से वो हमारे दौर में आकर हम इंसानों का अपहरण करते हों, क्योंकि बहुत से लोग ये दावा भी करते हैं कि एलियंस ने उनका अपहरण किया। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि गवर्नमेंट एलियंस के साथ मिलकर काम करती है, और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स एरिया 51 में किए जाते हैं। ग्रे एलियंस गवर्नमेंट को एडवांस टेक्नोलॉजी का ज्ञान देते हैं, और बदले में गवर्नमेंट उनको इंसानों का अपहरण करने और उनके टिश्यू कलेक्ट करने की इजाज़त देती है। शायद इसी वजह से अभी से कुछ सालों पहले तक बैलगाड़ियों से सफर करने वाले हम इंसान आज चांद और मंगल पर पहुंच चुके हैं। बीते कुछ दशकों में हमारी टेक्नोलॉजी ने बेशुमार तरक्की की है। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये केवल एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। आप इस थ्योरी से कितने सहमत हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।